दोस्तों, मैं हूं आपका दासदेव और अपने YouTube चैनल दासदेव व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो सैर करेंगे अमृतसर की, और साथ में जो अमृतसर को साथ साथ में जो गेट लगते थे, तो सारे जो जितने जैसे हाल गेट, लाहौरी गेट और रख जाने वाला गेट, ऐसे कितने सारे गेट हैं, तो साथ साथ में मैं आपको अमृतसर की सैर भी करवाता जाऊँगा और साथ में आपको गेट भी दिखाता जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम वन बाय वन गेट देखते चलते हैं और साथ में जो इसके बाज़ार साथ में लगते हैं उसकी सैर भी करते चलते हैं। तो चलिए हम पहले गेट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सबसे पहला जो गेट है हाल गेट, इसको हाल बाज़ार भी बोल देते हैं, हाल बाज़ार गेट, क्योंकि इसके अंदर हाल बाज़ार सारा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सभी प्रकार की यहाँ पे दुकानें पड़ती हैं। अगर हम सीधा निकल जाते हैं तो सीधा गोल्डन टेम्पल को ये वाला रास्ता आगे जाके मिल जाता है। तो ये इसका जो पहला गेट था हाल गेट, तो यहाँ पे शहीद उधम सिंह जी का ये जो बुत लगा हुआ है चौक के बीचों बीच, एक तरफ रास्ता जो स्टेशन की तरफ चला जाता है और सीधा रास्ता अगर गोल्डन टेम्पल को चला जाता है, और दूसरी तरफ रास्ता आगे वाले गेटों की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, ये वाला जो था ये हाल गेट था, जो इसका मेन गेट है यहाँ पे, ये टोटल 12 गेट है इसके। तो अगले गेट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आगे एक और गेट आ रहा है जो कि दुर्गियाना मंदिर के पास में है, जिसको हम हाथी गेट भी बोल देते हैं। तो ऐसे जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने शहर के चारों तरफ ऐसे गेट लगवाए थे, ताकि उस टाइम पे अगर कोई आपत्ति आती है तो उस टाइम पे ये सारे गेट वगैरह बंद कर दिए जाते थे। ये बिल्कुल सामने इसके दुर्गियाना मंदिर है हाथी गेट के सामने, तो आप सामने देख ही रहे होंगे, ये मेन चौक है यहाँ का जो दुर्गियाना मंदिर का। तो चलिए आगे हम एक और गेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गेट तो नहीं है, तो इस गेट को जो हम बोल देते हैं लोहगढ़ गेट। तो जैसे कि वो सामने लोहगढ़, आप गुरुद्वारा भी सामने देख रहे होंगे, ये लोहगढ़ गेट का ये बोर्ड भी लगा हुआ। तो यहाँ पे जो गेट तो ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये आगे एक और गेट आया, बेरी गेट आ गया ये। तो यहाँ पे भी गेट नहीं बना हुआ, लेकिन इसको हम बेरी गेट बोल देते हैं, उस टाइम पे था गेट ये। तो दोस्तों, आगे एक और गेट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको हम लाहौरी गेट बोल देते हैं। तो यहाँ से आगे हम ये जो शहर के चारों तरफ रास्ता पड़ता है, साइड बाय साइड ये गेट हैं सारे, इसको हम लाहौरी गेट बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये सामने लाहौरी गेट का जो सामना फ्रंट लुक, तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी आपको दीवार भी सामने नज़र आ रही होगी। तो ये शहर के चारों तरफ दीवार भी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब भी काफ़ी बिल्डिंगें वगैरह बन चुकी हैं, अभी वो दीवार का अस्तित्व रहा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी दीवार अगर कोई बची होगी पुरानी दीवार, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो हमारे शहर के चारों तरफ पड़ती थी। तो ये गेट के साथ साथ आप देख ही रहे होंगे ये दीवार चल रही है। तो ये देखिए, ये दीवार झालर टाइप बनी हुई है, ये उस टाइम की दीवार है। तो ये गेट के साथ साथ दीवारें पूरी चलती थी, तो पूरे शहर के चारों तरफ ये सारी दीवारों के साथ किया होता है, ये उस टाइम की बनी हुई दीवारें हैं। लेकिन अभी बिल्डिंगें बनने के कारण ये सारी दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इससे अगला गेट जो आता है, हम अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं, जो जिसको हम खजाना गेट बोल देते हैं। ये खजाना गेट है, इसके जो सामने वाला रास्ता है वो सीधा जबाल रोड को चला जाता है, जहाँ पे आगे ये जो मेन अटारी रोड को रास्ता आगे निकल जाता है जबाल रोड से, जिसे हम बाबा बुड्ढा मार्ग भी बोल देते हैं। तो ये है इसका खजाना गेट। तो ये खजाने का एक बना हुआ बॉक्स था, ये चौक के बीचों बीच लगा हुआ, तो इसको हम जो खजाने वाला गेट भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी रेनोवेशन भी चल रही थी अभी, तो पुरानी दीवार तो ख़त्म हो गई है, तो अभी इन्होंने चारों तरफ शहर के ये नई दीवार बनानी शुरू कर दी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जो अगले आगे वाला गेट है, जिसको हम हकीमा वाला गेट बोल देते हैं, इसके बिल्कुल सामने जो अनगढ़ एक गांव पड़ता है वो है। और ये जो खजाने वाले गेट से अगला गेट है, जिसको हम हकीमा वाला गेट भी बोल देते हैं। कहते हैं कि पहले ज़माने में यहाँ पे काफ़ी हकीम वगैरह रहा करते थे, जिसके कारण इसका नाम हकीमा वाला गेट पड़ा। तो ये दोस्तों आगे रास्ता जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है, और रास्ते में शहीदा साहब एक गुरुद्वारा साहब भी आता है, जिसको बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, आगे एक और गेट आ रहा है, जिसको हम भक्ता वाला गेट बोल देते हैं। यहाँ पे अभी गेट तो मौजूद नहीं है, गेट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये भक्ता वाला गेट है। इसके बिल्कुल सामने गेट के जो भक्ता वाला जो ग्रेन मार्केट है, जिसको हम अनाज मंडी भी बोल देते हैं, वो पड़ती है। इसके ये सामने वाला रास्ता गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड पर, जो यहाँ की भक्ता वाले की दाना मंडी भी पड़ती है। तो ये था गेट भक्ता वाला। तो दोस्तों, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे वाला जो गेट है गिलवाली गेट आएगा।
तो यहाँ पे भी दोस्तों अभी गेट तो है नहीं है, लेकिन ये रास्ता बना हुआ है जो स्टॉपेज है बस वगैरह का, इसको गिलवाली गेट बोलते हैं, जैसे कि आप सामने बोर्ड भी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये था गिलवाली गेट। तो इससे आगे वाला गेट जो शीदा साहब के पास में पड़ता है, तो दोस्तों अभी ये रेनोवेशन का काम चल ही रहा है, तो ये सारा जो ट्रेडिशनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे अमृतसर को, जैसे कि आपने हरमंदर साहब के चारों तरफ देखा ही होगा। तो दोस्तों ये आगे वाला गेट आ गया चट्टीवन गेट, इसका जो पुराना नाम चट्टीवन गेट था, लेकिन अभी इन्होंने रेनोवेट करके इसका नाम रामगढ़िया गेट रख दिया। तो इसका नाम क्यों चेंज किया, शायद हो सकता है उन्होंने पैसा वगैरह लगाया होगा। और सामने आप देख रहे होंगे जैसे कि शहीदा साहब गुरुद्वारा साहब नज़र आ रहा है, तो इसका व्लॉग भी आगे मैं एक डालूंगा। तो इसके सामने बिल्कुल जो पड़ता है चट्टीवन पिंड आ जाता है, जिसको हम बोल देते हैं, इसके बिल्कुल सामने रास्ता तरन तारण को चला जाता है। तो दोस्तों अगला गेट आ रहा है सुल्तानविंड गेट, इसके सामने वाला जो रास्ता है तो वो चला जाता है सुल्तानविंड पिंड को। तो ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, लेकिन ये भी ठीक ठाक ही है गेट, अभी थोड़ा सा इन्होंने लास्ट टाइम रेनोवेट किया था, इसको हम सुल्तानविंड गेट बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा शहीदा साहब से आगे है, जैसे हम बस स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों आगे वाला ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये है घी मंडी गेट, घी मंडी चौक भी बोल देते हैं। ये रास्ता सीधा गोल्डन टेम्पल को जाता है, जो घी मंडी चौक से होके जाता है, जिसको हम घी मंडी गेट भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आगे हम एक और गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम शेरांवाला गेट भी बोल देते हैं। तो ये भी रास्ता सीधा हरमंदर साहिब को ही जाता है, फुहारे वाले चौक से होके। ये जैसे कि आप शेर देख रहे हैं, तो ये उस टाइम के लगे हुए हैं शेर। तो यहाँ पे भी पहले गेट हुआ करता था, लेकिन अभी गेट है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम दो तरफ इसके शेर लगे हुए हैं, तो इसको हम शेरांवाला गेट बोल देते हैं। तो इसके बिल्कुल सामने शेरांवाला गेट के सामने बिल्कुल जो बाबा फुल्ला सिंह बुर्ज गुरुद्वारा साहब पड़ता है, जैसे कि आप सामने उसकी इमारत देख रहे हो, ये उसका गेट है सामने बाबा फुल्ला सिंह बुर्ज का, तो ये बिल्कुल गेट के अपोजिट पड़ता है। और दूसरी साइड पे हम देखेंगे, जैसे हम जाएंगे तो आगे जाके बस स्टैंड आ जाता है। तो ये बस स्टैंड का मेन चौक आ गया, और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है मासिंग गेट। तो मासिंग गेट से भी सीधा आगे रास्ता जो सीधा जाता है वो हरमंदर साहब को चला जाता है, और अगर मासिंग गेट के अपोजिट साइड देखेंगे तो वो बस स्टैंड को रास्ता जाता है। अगर हम सीधा इधर निकल जाएंगे जहाँ से ये बस आ रही है, तो ये स्टेशन वाली साइड पे ये वाला रास्ता निकल जाता है, इस साइड पे ये बस स्टैंड है जहाँ पे अभी मैं कैमरा घुमा रहा हूँ। तो ये हम चौक के बीच में खड़े होकर शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे जो लास्ट गेट इसका आएगा, जो कि है रामबाग गेट। ये रामबाग गेट जो मेन यहाँ पे सारी मार्केट है, जो करियाना स्टोर वगैरह सारे जो सारे यहीं पे है, इससे आगे जाके जो रास्ता हाल बाज़ार को जाके मिल जाता है। तो ये जो अमृतसर का लास्ट गेट था, तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा लास्ट टाइम इन्होंने रेनोवेट वगैरह किया था। तो दोस्तों ये थे जो अमृतसर के सारे गेट, तो ये आपको लास्ट गेट में दिखा रहा हूँ, इससे आगे वाला गेट फिर दोबारा हाल बाज़ार गेट ही आ जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे गेट जो मैंने आपको वीडियो में दिखाने चाहे। तो उम्मीद है कि आपने सारे गेट अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो दोस्तों ये व्लॉग था जो अमृतसर की सैर भी थी, और साथ में मैंने आपको जितने इसको गेट पढ़ते थे, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनवाए थे, जबकि कोई टफ टाइम आता था, जैसे कि बाहर से कोई हमला ना कर दे, तब ये सारे गेट वगैरह बंद कर दिए जाते थे। इसमें से कुछ गेटों के नाम हैं, उनके गेट ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ गेट का अस्तित्व अभी भी बाकी है, जो गेट बने हुए हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।